हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग जनता मार्केट जाने वाले हैं। तो मार्केट तो जा रही हूँ, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ, इतना बड़ा खजाना लेके। तो ये वाला स्प्रे भी अब की बार मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ कि कैब में कभी वो लोग स्प्रे करते कभी नहीं करते, तो मैं इसे अपना खुद का स्प्रे लेके जा रही हूँ, सैनिटाइजिंग स्प्रे जो होता है, क्योंकि बाकी छोटा सैनिटाइजर, मेरा मास्क, मेरे ग्लव्स, और मैंने एक स्कार्फ भी ले लिया है सर ढकने के लिए, और गॉगल्स भी ले लिए हैं मैंने, जो मैं लगा लूंगी वीप जब बैठूंगी मैं कैब में। तो वीडियो में आजकल घर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मास्क में मैं बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो आजकल घर से स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं कैसा कलेक्शन है जनपद मार्केट में। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट, और ये जो मेट्रो के पास सारी शॉप बनी होती थी, यहाँ पे काफी अच्छी ज्वेलरी मिलती थी, होम डेकोरेशन का सामान मिलता था, और भी काफी अमेजिंग चीजें इन वाली शॉप्स पे मिलती थी। तो मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं जनपद के, मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था, बिफोर लॉकडाउन वीडियो बनाया था मैंने यहाँ का, बट अभी ना सारी ही दुकानें यहाँ पे बंद है, कोई भी दुकान खुली नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मार्केट के बाहर का एरिया, और यहाँ पर पहले गुजराती राजस्थानी वेंडर्स बैठे रहते थे, जो यहाँ पे फुटपाथ वाली मार्केट लगती थी, वो मार्केट लगती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे उस टाइप से अब कोई भी मार्केट नहीं लगी हुई है, फुटपाथ वाली मार्केट मैंने पहले वीडियो में उसका भी पूरा एक सेपरेट वीडियो दिखाया था, जो यहाँ पे मार्केट लगती थी, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई भी बाहर पटरी वाली मार्केट, जो ये फुटपाथ वाली मार्केट बोल सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगी हुई है, बिल्कुल खाली है। और ये है एंट्री गेट, और मैंने जो एंट्री किया है, ये किया है मैंने मेट्रो के साइड वाले गेट से, और इस मार्केट के ना दो गेट हैं, एक मेट्रो के साइड से, एक है इसके पीछे साइड। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के मार्केट में क्या चेंज हुआ है आफ्टर लॉकडाउन, पहले की तरह ही है या कुछ अलग चेंजेस आए हैं इसमें। गाइस, अभी एक साइड ही सारी दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, दूसरी साइड आप देख सकते हैं सारी ही दुकानें जो थी बंद थी, जो यहाँ पे वेंडर शॉप लगती थी। ये बहुत ही छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, एक मिनी मार्केट है, बट यहाँ पे आपको ना कलेक्शन बहुत अमेजिंग मिलता है, और फिर ज्वेलरी, होम डेकोरेशन सभी का सामान मिल जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स सभी के लिए मिलता है। तो अभी मैं आपको पूरा वन बाय वन सारा कलेक्शन दिखाती हूँ, और कंटिन्यू सारी एक साथ पूरी लाइन कवर करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी सारे शॉप नंबर भी मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर मैं नहीं बता पाती तो आप एक लाइन से ही सारी मार्केट देखेंगे, मैं कंटिन्यू वन बाय वन सारी शॉप्स हैं वो सर्च कर रही हूँ, तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में शॉप नंबर 7 में मैंने देखा ये कलेक्शन, यहाँ पर आपको टॉप मिल जाएंगे समर के हिसाब से, जैसा कि समर चल रही तो समर कलेक्शन अभी ज्यादा मिलेगा मार्केट में, और प्लाजो भी थे इनके पास में, काफी अच्छा कलेक्शन था, और इनके सभी के प्राइस ना अलग अलग थे, और सभी के प्राइस ये लोग बताते भी नहीं हमें, क्योंकि ये बार्गेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा कम कर देते हैं प्राइस, और प्राइस अभी अगर इनसे पूछेंगे तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस बताते हैं। तो प्राइस जहाँ पे सेल प्राइस होगा मैं वहीं पे आपको सारे प्राइस बताऊंगी, या जो शॉपकीपर प्राइस बता रहे होंगे वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के बगल में थी शॉप नंबर 1, यहाँ पे आपको होम डेकोर का काफी अच्छा सामान मिल जाएगा, यहाँ पे 20 रुपीज से स्टार्टिंग थी, जो कि आप ये देख सकते हैं की रिंग थे 20 रुपीज में, ड्रीम कैचर वाले थे, और ये की रिंग बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो इनके पास काफी विंटेज एंटिक कलेक्शन था होम डेकोर का, जैसे कि अगर विंटेज होम डेकोर आपको पसंद है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग होम डेकोर मिलेगा आपको, इस टाइप से वॉच मिलेगी, और इस सबसे काफी यूनिक चीजें मिलेगी इनके पास में, आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइस सभी के डिफरेंट होते हैं, और आपके बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना कम करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते ही शॉप नंबर 2 में आपको काफी अमेजिंग एंटिक ज्वेलरी का कलेक्शन मिलेगा, और यहाँ पे ना आपको बोहो ज्वेलरी और सिल्वर जंग ज्वेलरी का ह्यूज कलेक्शन में देखने को मिलेगा, और इनके पास इयर रिंग्स का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बार्गेनिंग तो ये कर ही देते, बट डिजाइन बहुत ही अच्छी होती है, क्वालिटी काफी अच्छी निकलती इनकी शॉप की, 75 रुपीज से स्टार्टिंग थी इनके पास में, और बहुत ही अमेजिंग इयर रिंग्स थे, और सभी के डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। फ्रेंड्स, इसी लाइन में आगे चलते ही शॉप नंबर 9 में आपको काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी, काफी जंप सूट मिल जाएंगी आपको, बीच ड्रेसेस मिल जाएंगी,
और यहाँ पे ना सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और इनके पास जो भी कलेक्शन आप देख रहे हैं 300 रुपीज की सेल में है, और ये सेल प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। 300 रुपीज में आप कोई भी ड्रेस ले सकते हैं। और सारी ड्रेसेस ना मुझे काफी अच्छी लगी। इनके पास बीच वाली ड्रेसेस भी थी कि बीच वगैरह पे आप घूमने जाना चाहते हैं तो 300 रुपीज में एक बार लेके चले गए और पहन के अपना रख दिया। पूरे शॉप में एक ही प्राइस है 300 हमारा फिक्स। बीच वेयर ड्रेसेस है, ये बीच वेयर ड्रेसेस है, कैरियर ड्रेसेस, रैप अराउंड ड्रेस बोलते हैं इसको, तो ये जंप सूट्स हैं, ये भी बीच वेयर, पार्टी वेयर, पूल पार्टी ड्रेसेस और ड्रेसेस, इस टाइप की चीज़ें हैं। और आजकल सेट बड़े चल रहे हैं क्योंकि समर है, गर्मी के हिसाब से अगर सेट चलते हैं, ऐसे सेट भी चल रहे हैं आजकल, नाइटी टाइप्स है, जैसे लॉन्ड्री टाइप की नाइटीज होती हैं। ज़्यादातर जीन्स वगैरह के साथ और शॉर्ट्स वगैरह के साथ लड़कियाँ पहन लेती हैं आज के डेट में। ये अभी फैशन में, अभी हॉट केक यही है सबसे ज़्यादा, ये दिखता है। ट्यूब ड्रेसेस हैं, ये भी चलती है, ये भी आजकल बहुत पसंद करती हैं लड़कियाँ ट्यूब। और ये डबल वेयर में यूजेबल है, इसे आप अगर ट्यूब नहीं पहनना चाहते तो एज ए स्कर्ट भी पहन सकते हैं। बॉक्सर शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स टाइप, ये भी चल रही हैं आजकल, कैजुअल फॉर्मल दोनों पहन लेते हैं। फ्रेंड्स, शॉप नंबर 10 में आपको टॉप, मैक्सी ड्रेसेस, कुर्तीस, ट्यूनिक टॉप और प्लाजो का काफी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पर कोई रेट फिक्स नहीं होते हैं, तभी मैं आपको प्राइस नहीं बता पा रही हूँ सभी के। और ये लोग अच्छी खासी बार्गेनिंग कर देते हैं। और इनके पास ना डेनिम एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन था, जैसा कि आप देख सकते हो, मुझे बहुत प्यारी लगी, इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा था। 650 का है, रेडीमेड का तरह 450 का है, लेस हो जाए थोड़ा सा। जींस की प्लाजो की है, वो 550 का है, कलर दो मिलेगा इसमें। एक चिकन का सूट भी है जो प्लाजो के साथ में 850 रुपये का। शॉप नंबर 11 में आपको टॉप मिल जाएंगे, काफी अच्छे अच्छे टॉप मिल जाएंगे। शर्ट्स भी इनके पास थी जो काफी अच्छी लग रही थी। आपको प्लाजो भी मिल जाएंगे, स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी इनके पास में, तो आप ये कलेक्शन देख सकते हैं। ये 250 का है, ये सरारा प्लाजो है, काफी गेरो, ये 300 रुपए का। ये प्लाजो है, ये 200 रुपए का, ये 11 का, ये 300 का है, ये 250 का है, ये 200 का है, ये 250, ये 250 का। ये भी 300 का, दोनों साइड से पहनते हैं, डबल साइड, ये है 400 रुपये। फ्रेंड्स, शॉप नंबर 12 में आपको टॉप, पैंट, शॉर्ट्स, डांगरी का काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हैं, कलेक्शन काफी अच्छा। इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप शॉप नंबर के साथ जाके यहाँ पे ले सकते हैं। और एक ये डांगरी 300 डेनिम में, ओनली 200 रुपये, कुछ भी लो 200 इधर। बड़ी बड़ी ब्रांडेड भी है, काजो वही टाइम था कि 500 का थे, ऑल्टर्ड रहे, ओनली 250 पर, आज के दिन ओनली 150।
फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो मेरे वीडियो को लाइक करते चलो। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने के लिए आई तो एक लाइक तो बनता है ना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और सब्सक्राइब कर ही लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें बगल में जो लगा, जिससे मैं अभी और भी मार्केट्स की बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स शॉप नंबर 17 में आपको काफ़ी प्यारे टॉप मिल जाएंगे। अगेन ड्रेसेस भी इनके पास थी, प्लाजो पैंट्स भी थे इनके पास में, काफ़ी सुंदर लग रहे थे और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास में भी। फ्रेंड्स ये शॉप नंबर 18 और 19 दोनों एक में है, इनके पास भी सेम कलेक्शन था जैसा कि पहले वाली शॉपों में था, ड्रेसेस प्लाजो डेनिम शर्ट्स मैक्सी ड्रेसेस ये सारा कलेक्शन इनके पास भी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स शॉप नंबर 20 में आपको मिल जाएंगी ये स्ट्राइप वाले प्लाजो का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं स्ट्राइप वाले जो प्लाजो होते हैं। इनके पास स्ट्राइप वाली शर्ट्स भी मिल जाएंगी, प्लेन टी शर्ट भी मिल जाएंगी, प्लेन शर्ट्स भी मिल जाएंगी और ड्रेसेस की भी काफी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। समर के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखा मुझे इनके पास। ये 300 रुपीज। ड्रेस दिखाते हो, ड्रेस 250 रुपीज में, ड्रेस ये 250 रुपीज में। शॉप नंबर 23 में आपको मिल जाएंगे ड्रेसेस टॉप नी लेन ड्रेसेस मैक्सी ड्रेसेस और मुझे यहाँ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 350 रुपीज़ में जंप सूट भी इनके पास अवेलेबल थे। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जंप सूट दिखाओ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानों में जंप सूट थे, सभी के प्राइस 300, 350, 400 के अराउंड ये लोग बता रहे थे, जो आपको 300 तक ईजिली कोई भी जंप सूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरी मार्केट में आपको समर की टॉप ड्रेसेस का काफी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। समर चल रहा है तो समर की ड्रेसेस टॉप समर का ही सारा कलेक्शन आ चुका है और इस समय कलेक्शन भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। सरोजनी से यहाँ का कलेक्शन कुछ अलग लगा और थोड़ा सा क्वालिटी मुझे बेटर लगी सरोजनी के मुकाबले। यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन लगा मुझे यहाँ पे। सरोजनी में सस्ता है यहाँ से, बट यहाँ पे बार्गेनिंग करके आप अच्छा ले सकते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो आप जनपद डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। और छोटा है, बहुत ज्यादा रस भी नहीं है यहाँ पे, तो आप इतने में ही सारी मार्केट कर सकते हो। शॉप नंबर 6 में आपको एम्ब्रॉयडर्ड टॉप मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगी, कुर्ती भी थी इनके पास में, ये सारा कलेक्शन था शॉप नंबर 6 में। इसी लाइन में शॉप नंबर 5 में आपको 30 का काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं इनके पास जो ये लिखी हुई टी शर्ट्स होती हैं गर्ल्स की, वो सारी भी थी, प्लेन वाली भी थी और बहुत सारे कलर्स में इनके पास टी शर्ट्स अवेलेबल थी। जो टी शर्ट्स लवर होती हैं गर्ल्स, वो यहाँ से आके टी शर्ट पे कर सकती है और 200 से मे बी स्टार्टिंग थी इनके पास में, बाकी टी शर्ट के अकॉर्डिंग प्राइस थे और बार्गेनिंग तो हो ही जाएगी, अपने स्किल आके ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे एक ही नंबर की दो दो शॉप्स बनी हुई हैं। मुझे लगता है कि जब हम पीछे वाले गेट से एंटर करते हैं तो वहाँ से शॉप की स्टार्टिंग कुछ अलग नंबर से होती, और जब मैंने मेट्रो के पास वाले गेट से स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पे मुझे शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2 इस टाइप से कुछ मिले थे, तो मुझे अगेन ये शॉप नंबर 2 मिला। इनके यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रेंडी टॉप मिल जाएंगे, बॉटम वियर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास, ड्रेसेस और कुर्ती भी इनके पास अवेलेबल थे।
गाइस इसी लाइन में शॉप नंबर 17 में आपको कुर्ती, कुर्ती प्लाजो सेट, मैक्सी ड्रेसेस, प्लाजो, आपको गरारा, आपको इन सभी चीज़ों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। और जो एथेनिक वेयर लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस वाले शॉप को ट्राई कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है एथेनिक वेयर का, डेली यूज़ के लिए, बहुत छोटे मोटे फंक्शन के लिए आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी। किस प्राइस में आएंगे? फ्रेंड्स इसी लाइन में आगे चलते हुए मुझे मिली शॉप नंबर 13 में, और इसमें भी ना काफी अच्छा कलेक्शन था, टॉप वगैरह सब कुछ थे। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा है शॉप में वो लगी मुझे ये जैकेट, जो आप देख सकते हैं समर जैकेट थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी ये जॉर्जेट फैब्रिक में थी जैकेट, जो थी बहुत सुंदर थी। 2 से 3 कलर थे, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर शायद था इसमें। और इसका प्राइस ना बहुत ज्यादा ओवर प्राइस बताया था उन्होंने, और इनके पास लॉन्ग शर्ट्स भी थी जो काफी अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स आगे चलते ही शॉप नंबर 11 में यहाँ का कलेक्शन कुछ अलग ही था। शॉप नंबर 11 में ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, और ना यहाँ के जो कलर थे ना यार, इतने पेस्टल कलर में ड्रेसेस थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इनके पास 100 ड्रेसेस का ना बहुत अच्छा कलेक्शन था। इस टाइप की ड्रेसेस मैंने ना मैंत्रा में देखी है, अब टाउनी से मैंने एक बार मंगाई थी तो मुझे इस टाइप की ड्रेसेस आई थी, बहुत ही अमेजिंग कलर है, फैब्रिक भी एज वेल एज बहुत अच्छा है, समर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फैब्रिक है। और कलर आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, 100 ड्रेसेस में कितने प्यारे कलर हैं। और इसका प्राइस ना 700 बता रहे थे, ये आफ्टर बार्गेनिंग 500 या 400 में आपको इजीली दे देंगे, इससे भी कम में दे सकते हैं अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से करते हैं। बट फैब्रिक और ड्रेसेस का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, चेंज होता है दिस 7 डेज। प्राइस का इशू है तो प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉस्ट पैटर्न अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। ऑफ शोल्डर ड्रेस है, पैटर्न भी अच्छा है। इनके पास ना जॉगर्स भी थे बहुत सारे पेस्टल कलर में, वैसे 750 है लेकिन कॉस्ट कम हो गया। इनके यहाँ का कलेक्शन जो था मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया पूरी मार्केट में, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था। तो आप लोग अगर मार्केट में आते हैं तो इस वाली शॉप को डेफिनेटली एक बार विजिट करिए, अगर आप वेस्टर्न वियर पहनना पसंद करते हैं तो। बहुत प्यारा पीस है, एंड ये शॉर्ट ड्रेस में मिल जाएगी आपको, एक शॉर्ट ड्रेस देख सकते हो, इसमें कलर्स हैं, बहुत प्यारे लुक है, इसमें हुडी के साथ है शॉर्ट ड्रेस, टॉप में कलेक्शन देख सकते हो, एंड टी शर्ट में, टॉप में सारी कलेक्शन मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हो डेनिम शर्ट है, इसमें शेडीज मिल जाएंगे आपको, 3 शेड है, लाइट एंड मीडियम कलर शेड एंड डार्क शेड, कॉटन है ना, क्वालिटी अच्छी है। किस प्राइस में आएगी? प्राइस 650 होगा। 650 फिक्स रहता ना जो बता रहे हो? थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा आपके लिए, 350 लास्ट लग जाएगा। ये लॉन्ग मिडी है, पैटर्न बहुत अच्छा है, कुर्ती ड्रेस में मिडी है, जीन्स, लेगिंग, जैगिंग जिस मर्जी के साथ लग जाएगा। फ्रेंड्स शॉप नंबर 5 में आपको मैक्सी ड्रेसेस मिल जाएंगी, ये नूडल स्ट्रिप वाली ड्रेसेस मिल जाएंगी जो काफ़ी अच्छी लगती है, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, और अगर ऐसे नहीं पहनना चाहते तो आप इसके अंदर एक टॉप भी पहन सकते हैं। मैं एक ऐसी ड्रेस यहाँ से अपने पिछले वीडियो में ली थी जब मैंने जनपद का बनाया था, और मैंने इसे वाइट टॉप के साथ स्टाइल किया था एक सरोजनी की वीडियो में, मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि ड्रेस आपने कहाँ से ली, तो आप भी लोग इस टाइप की ड्रेसेस ले सकते हैं और एक टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं इसे। देखो ये तो है 550 की, लेकिन हम लास्ट 350 तक में दे देते हैं, 550 बताते हैं, 350 तक में दे देते हैं, 250 का ये।
250 की है, तो कोई से ही ले लो 250 में। शॉप नंबर 20 में आपको 200 का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें ड्रेसेस, टॉप, प्लाजो सभी कुछ आपको 200 रुपीस में मिलेगा। और ये गेट जो दूसरे साइड से एंटर करते हैं ना, उस साइड ये शॉप पड़ती है, शॉप नंबर 20। तो आपको बताया ना कि मैंने एंटर किया था मेट्रो साइड वाले गेट से, तो मुझे ये शॉप सबसे लास्ट में पड़ी। अगर आप इस साइड वाले गेट से एंटर करेंगे तो आपको ये शॉप पहले ही पड़ जाएगी। तो दूसरे साइड वाला गेट से बाहर निकलते देखते हैं इसके बाहर भी क्या कोई कलेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पे भी एक मार्केट लगी हुई थी, यहाँ पे कुछ वेंडर्स ने लगा रखे थे स्टॉल अपने, तो अभी देखते हैं इनके पास कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पर बॉयज के लिए 150 रुपीस में टी शर्ट लगी हुई थी, जो काफी कलरफुल थी और डेली यूज के लिए ठीक लग रही थी 150 रुपीस में, बट न्यू थी और अच्छी लग रही थी सारी ड्रेसेस। ₹50 में गर्ल्स के लिए शॉर्ट्स मिल रहे थे यहाँ पे, और काफी अच्छा कलेक्शन था। तो फिर से मैं आ गई मार्केट के अंदर उस गेट से, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखा और क्योंकि मैं फिर वापस से मेट्रो साइड से ही जाना चाह रही थी। तो यहाँ पे मिले इयररिंग्स वाले भैया, और इनके पास इयररिंग्स ना इतने सुंदर इयररिंग्स थे यार, 50 रुपीस में सेल। वैसे तो जनपद में बहुत सारे स्टॉल्स इस टाइप से आपको इयररिंग्स वाले भैया और नेक पीसेस वाले भैया, जो सिल्वर और गोल्डन इयररिंग्स जंग ज्वेलरी बेचते रहते हैं, वो मिलते हैं आपको। बट अभी मुझे ना सिर्फ एक ही इयररिंग्स वाले भैया मिले, जिनके पास काफी अमेजिंग इयररिंग्स का कलेक्शन था। मुझे ना ये कलरफुल वाले इयररिंग्स और ये व्हाइट मल्टी कलर थे, मुझे ये कुछ अलग इयररिंग्स लगे मुझे, क्योंकि सिल्वर गोल्डन तो इजिली हर जगह मिल जाते हैं, बट ये वाला कलेक्शन ना मुझे जनपद में इस टाइप की रिंग्स मिली थी पिछली बार, अब की बार इयररिंग्स मिले हैं मुझे, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। जरूर मैं एक या दो यहाँ से पिक करने वाली हूँ, वो मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर वेयर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से निकलते समय मैंने बात की यहाँ के कुछ लोगों से, जो यहाँ पे ही आसपास दुकानें थी जिनकी, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ अपनी राय दी और बहुत ज्यादा निराश लग रहे थे मुझे यहाँ के लोग। ये तो हकीकत है कि इस समय लोग आ ही नहीं रहे, बोनी तो बड़ा मुश्किल से होता है कभी नहीं भी होता है। देखिए पहले तो मार्केट की सिचुएशन इस टाइम ये है कि कस्टमर तो बहुत कम आ रहा, जब तक मेट्रो नहीं चलेगी, मेट्रो ही सीपी की लाइफ लाइन है, तब तक कस्टमर आना तो मुश्किल है। लेकिन 15% लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को और आना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज की अच्छी व्यवस्था लोग कर रहे हैं, लोगों ने खुद भी सुरक्षित है, मास्क पहन के घूम रहे हैं, बाहर दुकानदार भी जागरूक है, कस्टमर को भी थोड़ा बहुत निकलना चाहिए, लेकिन मेट्रो चलने के बाद ही सीपी में काम हो सकता है। फिलहाल में कमी है मतलब, लेकिन आने वाले दिनों में नवंबर मूव होगी। तो फ्रेंड्स हर एक चीज़ बताने की कोशिश की, तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट बहुत अच्छी अच्छी मार्केट की वीडियोस और आने वाली हैं। और इसके पहले अगर आपने मेरी सरोजनी और लाजपत नगर मार्केट की लेटेस्ट कलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाके देखो, मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे दूंगी, वो वीडियो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना मेरी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।